आज हमने बनाया है कान्हा जी के लिए पंचामृत का भोग। ये जन्माष्टमी के लिए बनाया है हमने। आप चाहे तो रोज इसका भोग लगा सकते हैं कान्हा जी को। आज हम बताएंगे जन्माष्टमी के लिए पंचामृत का भोग कैसे बनाते हैं। अब इसमें डालेंगे कच्चा दूध। दूध कच्चा ही लें। दही, ताजा दही, थोड़ा सा शहद, चीनी, शुद्ध गाय का घी। ये घर का बना हुआ घी है। घर का बना हुआ घी ना हो तो आप बाजार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारा पंचामृत का भोग तैयार हो गया है। भोग लगाने के लिए सबसे जरूरी है तुलसी दल। तुलसी दल डाल के अब ये भोग के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से बनाएं घर पर आसानी से पंचामृत, शुद्ध पंचामृत का भोग। हो सके तो इसे चांदी की कटोरी में ही बनाएं।